नमस्कार, मी चित्राली छोगरे आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे लोकमतमध्ये. आजची सकाळ सगळ्यांसाठी दुःखद होती आपल्यासाठी, आणि आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या दीदी आज त्यांनी आपल्यातून निरोप घेतलाय. त्यांच्या आठवणी खूप आहेत, त्यांच्याबद्दलचे लोक, त्यांच्याशी निगडीत असलेले लोक सुद्धा खूप आहेत, खूप मोठा गोतावळा आहे. त्यांच्यातच एक म्हणजे गायक रूपकुमार राठोड, ते आपल्या सोबत आहेत. रूपकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आहे लोकमतवर. थैंक यू। आज मुझे पता है आप खुद भी ये कोविड थ्रू जा रहे हैं, आप भी आपका ये शुरू है, लेकिन कहीं पे आज सुबह हम सबके लिए बहुत ही दुखद रहा, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई हर जगह से उनके लिए श्रद्धांजलि आना शुरू हो गया. आप तक ये खबर आई, आपके लिए आज का दिन कैसा था? कल जितनी खुशी थी बसंत पंचमी की, माँ सरस्वती की पूजा की, हमने आराधना की, और आज जो है वो माँ सरस्वती आशीर्वाद देकर के प्रस्थान कर गई. न भूतो न भविष्य, न ऐसी गायिका कभी दुनिया में पैदा होगी ना हुई है, और सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं, एक अच्छी इंसान, बेहतरीन इंसान. और मेरे साथ तो उनका जो रिलेशन था वो बिल्कुल, मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनको जोक्स बहुत पसंद थे, और जब भी हम मिलते तो आधा आधा पौना पौना घंटा सिर्फ जोक सेशन होता था, उसके बाद फिर गाना डबिंग होता था. तो वो भी बहुत अच्छे लतीफे सुनाती थी, और मुझे भी शौक है, तो जब भी उनके रूम में जाते थे तो फिर दूसरे लोगों को आकर के रोकना पड़ता था कि भाई आज के लिए दीदी का हंसना बस हो गया, बस अब आप दीदी को खाना खाने दीजिए. मतलब इतना उनको शौक था. और लास्ट दिसंबर 28 को मेरी उनसे बात हुई फोन पे. मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा दीदी पाई लगी कैसी हैं आप? दीदी बोले मैं अच्छी हूँ, और गैस मैं क्या कर रही हूँ? दीदी रियाज कर रही है. बोले नहीं, रियाज नहीं कर रही, मैं खाना बना रही हूँ. बोले क्या बात कर रही है, आप तो अपने कमरे से उठ करके बाहर तो निकलती नहीं है. बोले नहीं, कमरे में ही मैंने एक पूरा कुकिंग सेटअप कर दिया है, और पलंग पे बैठ करके ही मैं खाना बना रही हूँ. तो आपके लिए क्या भेजू, मैं मटन बहुत अच्छा बनाती हूँ. तो मैंने कहा दीदी इन दिनों तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जिस दिन मैं नॉन वेज खाना शुरू करूंगा प्लीज आपके हाथ से. तो बोले मैं ग्रीन मटन बहुत अच्छा बनाती हूँ, वो भेजती हूँ आपके लिए, लेकिन मेरे खाने में घी बहुत होता है, आपको घी से परहेज तो नहीं है ना? तो इतना प्यार, इतना दुलार, बिल्कुल जैसे एक माँ होती है, और वो भी इस एज में, 92 की एज में, इतना हर चीज को बच्चों की तरह जीना, एक एक्साइटमेंट होता है ना. बाकी उन्होंने दुनिया, कितनी दुनिया उन्होंने देखी, लेकिन जब वो बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नया नया बच्चा कुकिंग सीखता है, और उसको एक जो खुशी होती है ना, वो खुशी उनकी आवाज में मैंने महसूस करा. आपका और सोनाली जी का उनके साथ एक बहुत ही अलग रिश्ता था. आप जैसे आप इतनी बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारी यादें होंगी आज उनके जाने के बाद, वो यादें बार बार आंखों के सामने आती होगी, जहन में आती होगी. आपको कहीं पे, मुझे ऐसे पता है कि आपको वो जमाई की तरह ट्रीट करती थी, आप उनसे बहुत क्लोज थे, सोनाली के और सोनाली जी और आपका जो रिलेशन था, तो ये कैसे कैसे शुरुआत हुई सबकी? सोनाली ने जब वो 14 वर्ष की थी तो पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी से सीखना शुरू किया, तो वो बहुत छोटी उम्र से ही उनके घर आना जाना था, तो दीदी के रूम में वो विदाउट नॉक किए चली जाती थी, लाइक घर का बच्चा होता वैसे. और फिर मेरे से शादी हुई तो मुझे बहुत पसंद करते थे दीदी और बाबा यानी हृदयनाथ जी. तो मेरा पहला गाना जो था लाइफ का एज अ प्लेबैक सिंगर, वो दीदी के साथ था,
एक फिल्म थी आस्था, उसमें रविंद्रनाथ मंगेशकर जी का म्यूजिक था और उसमें दीदी के साथ में मुझे गाने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ और इतना कुछ उनसे सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है। और जब भी सोनाली की सालगिरह होती थी तो दीदी जो है वो प्रेजेंट लेकर के वो बिल्डिंग के नीचे आती थी, सोनाली की बिल्डिंग के नीचे शादी से पहले, और सोनाली को गिफ्ट देती थी। मतलब सोनाली बड़ी लाडली थी, तो जाहिर है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं भी उनका बड़ा लाडला हो गया। और उसके बाद में मैं जो किस्सा सुना रहा था वो एक एक फिल्म थी लाल सलाम, तो लाल सलाम में एक गाना मैंने डब किया सुबह और दीदी दोपहर में आने वाली थी। तो गाना डब करने के बाद गुलजार साहब बहुत खुश थे, रघुनाथ जी खुश थे, रिकॉर्डिस्ट खुश था, डायरेक्टर खुश था और मैं भी बड़ा खुश था कि मैंने बहुत अच्छा गाया। दोपहर के बाद में दीदी आई करीब 4-1 बजे और दीदी ने आकर के गाना शुरू किया। और जैसे दीदी ने गाया, जैसे दीदी की आवाज उस ट्रैक में आई, तो मुझे पता चला कि अच्छा गाना क्या होता है और बुरा गाना क्या होता है। मतलब सुबह से दोपहर तक तो मैं इतरा रहा था कॉलर ऊंचा करके कि मैंने अच्छा गाया, लेकिन जैसे दीदी की आवाज आई तो मुझे समझ में आ गया कि गाना किसको कहते हैं। मतलब मैंने तो पांव तले जमीन निकल गई। मैंने रजना जी से कहा कि मुझे वापस डब करना है, मैं वापस गाऊंगा, तो वो हंसने लगे। बोले ठीक है चलो आ जाओ माइक पे। मैंने कहा अभी नहीं, दीदी जाएंगी फिर। तो बोले आज दीदी जाने वाली नहीं है, दीदी बूढ़े में है, अभी यहीं बैठेंगी, तुमको गाना है तो गाओ। मैंने गाना शुरू किया और एक मुखड़ा होने के बाद अंतरा जब आया तो एक लाइन बार 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 रिटेक हो रही थी, 5-6 बार रिटेक हुई। मैं और नर्वस होता गया और नर्वस होता गया, तो दीदी जो है मेरे पास आई और आकर के मुझे कहने लगी कि देखो तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, लेकिन ये जो कैरेक्टर के लिए जो तुम गाना गा रहे हो, ये रूप कुमार राठौर सिंगर नहीं है, ये डॉक्टर है। फिल्म में जो कैरेक्टर है वो डॉक्टर है, और डॉक्टर इतनी मुर्खियां, इतनी जगहें, इतनी घमक, और ये तो क्लासिकल सिंगर कोई होगा तो उस पे गाना अच्छा लगेगा। तुम डॉक्टर के लिए गा रहे हो तो ट्राई टू सिंग लाइक अ डॉक्टर। वो एक लेसन जो था मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था कि आप जब प्लेबैक करते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने कैरेक्टर को ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये बड़े लोगों की बड़ी बात। मैं अभी इतना लाचार हूं, मैं अभी इतना मेरे आंखें भरी हुई है कि मुझे दीदी के दर्शन के लिए जाना है। और अभी मैंने सोनाली से बात की, सोनाली वही है रघुकुंज में, मैंने कहा मुझे देखना है, तो उसने कहा कि नहीं तुम्हें कोविड हुआ है और ये ठीक नहीं है, यहाँ इतने लोग हैं, तुम्हारी वजह से और भी किसी को हो सकता है। तो मैं बहुत ही ज्यादा लाचार हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। हम समझ सकते हैं, लेकिन वो गाना कौन सा था सर? फिल्म तो आपने बता दी, गाना सांवरे आई जइयो, सांवरे आई जइयो, पेड़ों पे चढ़ गई छांव, सांवरे आई जइयो, ये गुलजार साहब ने लिखा और अदनान मंगेशकर ने का संगीत किया। उसके बाद वीर जारा जो गाना हुआ, वो गाना मैंने एक दिन पहले डब किया, फिर दूसरे दिन दीदी आई, बातें बातें हुई, उसके बाद गाना सुनाई और गाना सुनने के बाद उन्होंने रोना शुरू किया कि आंखों से किसी बहने लगे। मदन भैया के साथ उनके रिलेशन और फिर ये गाना, फिर उन्होंने पूछा किसने गाया है, तो बोले दीदी ये रूप कुमार ने गाया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, फिर पर्सनली उनका फोन आया मुझे और इतने आशीर्वाद दिए उन्होंने कि तुमने बहुत अच्छा गाया है, तुमको और भी गाना चाहिए। तो जो भी है, हमने जो भी गाना बचपन से पहली सांस से जो हमने गाना सुना है वो लता दीदी का सुना, शायद माँ की लोरियां इतनी नहीं सुनी जितना हमने लता मंगेशकर को सुना है।
और जिंदगी भर सुनते रहेंगे, हर मौके पे, हर मौजू पे, हर त्योहार पे, हर दुख पे, हर सुख पे, दिवाली हो, होली हो, ईद हो या 26 जनवरी हो, दीदी की आवाज जो है उसी से सुबह होती है और उसी से रात होती है। तो एक चांद, एक सूरज और एक लता मंगेशकर, ना भूतो ना भविष्य। जैसे आपने अभी कहा कि आप बहुत ही लाचार फील कर रहे क्योंकि आप घर पर है, वहां पे दीदी को आखिरी अलविदा देने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कभी लगा था सर कि दीदी नहीं होंगी और ऐसे बात हम करेंगे उनके बारे में, उनके ऐसी बातें किए जाएंगी, उनके बारे में किस्से दोहराए जाएंगे, आपकी जो अभी यादें थी वो आज कहीं पे, यादें तो होती है लेकिन आज वो नहीं है और उनके बारे में ये यादें आ रही है? आप संभालिए सर खुद को, हमें पता है कि आप फिलहाल वो हमेशा इतना प्यार दिया उन्होंने, मुझे भी दिया, रीवा मेरी बेटी को भी उन्होंने प्रेजेंट किया 2018 में, एंड इतना आशीर्वाद उसको दिया जब वो पहली बार घर गई और घर जाके गाना सुनाया तो बहुत खुश हुई और रदना जी को कहने लगे कि मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ, दीनानाथ मंगेशकर में इसका शो लगाते हैं और वहाँ ये पियानो भी बजाएगी, मराठी भी गाएगी, पंजाबी भी गाएगी, सेमी क्लासिकल भी गाएगी, गजल भी गाएगी, तो बहुत। और फिर उसको टिप देते थे कि रीवा थोड़ा सा अपना उच्चारण, जो हमारे पापा जिस तरह से कहते हैं तो उस तरह से थोड़ा सा तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आज की नस्ल जो है वो हिंदी कम बोलती है। तो ये छोटी छोटी बातें उनके जो टिप देती थी। और जब भी हम लोग म्यूजिकली कहीं अटक जाते थे तो हम दीदी को फोन करते थे कि दीदी ये इसका क्या करना चाहिए, जैसे ऊंचा गाने के टाइम पे आवाज कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो हमेशा हमको मार्गदर्शन देती रहती थी। और मुझे बराबर याद है कि एक बार लेकिन का गाना हुआ, लेकिन फिल्म का, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, जिसमें तबला मैंने बजाया था, वो मेरा आखिरी गाना था एज ए तबला प्लेयर। और गाना रिकॉर्ड होने के बाद में जो है वो घर आई तो हम, मैं और सोनाली भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो है वो गाना लगाया, जब फाइनल मिक्स होके आया गाना सुना के पूछती है कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, मैंने ठीक गाया है, मतलब हमारे तो मतलब ऐसा हो गया कि बाप रे, माँ सरस्वती मतलब आपके तो गले से निकला हुआ हर सुर जो है वो बिल्कुल साक्षात खड़ा है, यू कैन फील दैट सारे गामा पाधा दीसा, और वो इतना सिंसियरली जैसे एक बच्चा पूछता है वैसे हम लोगों से राय ले रही है, तो ये उनका बहुत बड़प्पन था, बहुत ही बड़ा। आपने जैसे कहा सर कि हर छोटी छोटी चीज में आपने उनसे पूछा है, कहीं अटक गए गाने में, छोटी छोटी चीजें भी, वैसे ही लाइफ में मतलब जिंदगी के लिए भी उन्होंने आपको बहुत बार बहुत कुछ चीजें कही होगी, एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज, एक ऐसी ये जो गाने से परे रहकर, गाने से अलग रहकर आपके निजी जिंदगी में उन्होंने आपको कुछ कहा जो हर हर समय, हर दफा आप जब तक है आपके साथ रहेगा, ऐसा क्या है? मैं और सोनाली उनके रूम में, और दीदी का रूम जो है वो एक पलंग है, एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, एक कबर्ड है और एक बाथरूम है, छोटा सा रूम है। और वो पिछले 30 साल से या 35 साल से 40 साल से वैसा का वैसा ही, सिर्फ उसमें वाइट पेंट हो जाता है, बाकी कोई फर्नीचर में चेंज नहीं होता, कोई इंटीरियर डेकोरेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो सोनाली ने एक दिन उनसे कहा कि दीदी मैं कितने सालों से देख रही हूँ कि आपके रूम का इंटीरियर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ना खिड़की चेंज हुई, ना पर्दे चेंज हुए, मतलब वही जो है 30-40 साल से,
आपको बोर नहीं होता कभी ये सेम सेम देख के? तो दीदी मुस्कुराई। दीदी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी जिंदगी में इसकी अहमियत बहुत कम है। मेरी जिंदगी की अहमियत है मेरा संगीत, उसमें नए नए कलर आ रहे हैं कि नहीं, उसमें नए नए डेकोरेशन आ रहे हैं कि नहीं, उसमें नए नए पर्दे लग रहे हैं कि नहीं, मेरा ध्यान पूरा उस पर है। तो ये चीजें जो है वो मेरे लिए बहुत ही मतलब नहीं के बराबर है। तो वो आंसर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक कोई योगी कोई महापुरुष यही कर सकता है, कितना फोकस लाइफ में। और हम लोग जो है वो हर 6 महीने में अपना रूम चेंज करते हैं, कुछ नया लाते हैं, कुछ नया टीवी। तो वही है कि जिंदगी की प्रायोरिटी अगर आपकी समझ में आ जाए तो फिर वो एक ही होती है, वो लता मंगेशकर। आज उनकी गाने तो हमें पता है सर, लेकिन आज अगर आपको कहे कि उनके कोई 5 ही गाने हैं जो आपको चुनने हैं, तो आपके फेवरेट कौन से हैं? सबसे पहले तो लग जा गले, उसके बाद है मेरे वतन के लोगों, जब भी आज भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गाना है उसका कटी पतंग का, ना कोई उमंग ना कोई तरंग, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ये गाना बहुत पसंद है। एक रविंद्र जैन जी का गाना है सजना है मुझे सजना के लिए, बहुत ही खूबसूरत उसका जो अंतरा है। और एक गाना जो है मुझे पसंद है, तो मेरा भी कह सकता हूँ वीर ज़ारा वाला गाना जो है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे साथ में दीदी ने गाया है तो मैं मतलब धन्य हो गया। मतलब 100 सालों में अगर एक गाना भी दीदी के साथ हो जाए तो हर सिंगर जो है वो धन्य है। आज आप गा तो नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा गाना अगर जो उनको ट्रिब्यूट देना होगा, उन गाने के अगर बोल होंगे या कुछ लता जी को जाते जाते, लता दीदी को जाते जाते अगर एक गाना उनके लिए समर्पित होगा तो आपके हिसाब से वो कौन सा गाना? अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, एक हैदराबाद का प्रोग्राम था, मैं और दीदी स्टेज पर गा रहे हैं, वो गाना था जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो मैंने उसके नीचे लिखा कि काश वादा निभाने एक बार वापस आ जाए लता मंगेशकर, फिर हम उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। सर आज बहुत सारी यादें, बहुत सारे किस्से आपकी निजी जिंदगी के आपने हमारे साथ शेयर किए। जाते जाते अगर आज लता जी को, लता दीदी को आप उनको क्या फुलाते थे आपके हिसाब से? अगर उनको आज कुछ एक आखिरी मैसेज देना है, अगर वो आपके सामने आज फिर से खड़ी हो जाए और आपसे बात करे तो आप क्या कहेंगे? हम सब दीदी फुलाते थे और एक संस्कृत का श्लोक है उनकी तारीफ में कि असित गिरिसमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तद्वितव गुणानाम ईश पारम्भे। कि माँ शारदा भी अगर कलम लेकर के उनकी तारीफ लिखने को बैठे तब भी उनकी तारीफ, उनके बखान जो है वो पूरे नहीं हो सकते। तो लता मंगेशकर, हम तो अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने उस जमाने में जन्म लिया है जब लता मंगेशकर जिंदा थी। आज हम इतिहास में सुनते हैं कि एक तानसेन हुआ करते थे अकबर के जमाने में, भाई हमें पता नहीं वो काल्पनिक है या किसी ने सुना है या उनका कोई प्रमाण है या उनका कोई रिकॉर्ड है, सब मुंह से सुनी हुई बातें हैं। लेकिन ये तो हमने साक्षात
देवी को देखा है कि देवी क्या होती है, सुर की देवी क्या होती है। तो एक तरफ तो महालक्ष्मी माता का मंदिर था, और वहां से आगे ही जाते ही सरस्वती माता का मंदिर था। तो माता जो है वो हमेशा जब भी वहां से गुजरेंगे वो झुकेगा शीश, वह दीदी जहां भी रहे हमारे साथ ही रहेंगे। फिजिकल नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी उनकी आवाज, उनका आशीर्वाद, वो हमेशा हम सभी सिंगरों के साथ रहेगा। आपके आप इस तरह से कनेक्ट हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी जल्द से जल्द ठीक हो जाइए, सुनाली और आपके दुख में हम सहभागी हैं सर।